बता दें जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच गए हैं, उनका विमान पटना लैंड कर चुका है और ये अब इस वक्त की बड़ी खबर है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पटना पहुंचे हैं, माना जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे और इसके अलावा ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार से बात करेंगे, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति भी बनेगी। इस वक्त बिहार जो है वो राजनीति का केंद्र इसलिए भी बन गया है कि इसी बिहार से नीतीश कुमार ने महागठबंधन की शुरुआत जो है वो इंडिया गठबंधन के स्तर पर की थी, लेकिन वही गठबंधन बिखरता नजर आया और बिहार जो सूत्रधार थे वो अब अलग हो गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो जेपी नड्डा का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। विनोद जी, विनोद शर्मा जी, अभी केसी त्यागी जी की चर्चा कर रहे थे जी, माननीय केसी त्यागी जी प्रवक्ता जरूर हैं लेकिन अभी हाल में मौका मिला है, वो भूल रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस से नहीं, मेरा राजद से गठबंधन है, उन्होंने स्पष्ट किया था। तो हमको तो राजद से होना चाहिए था, राजद को नाराजगी नहीं थी हमारे एक्शन से, वो बहाना बना रहे हैं, बहाना भागने का ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है। अरे भाई, तो जेपी नड्डा खत्म कर रहे थे, फिर आ गए उन्हीं के गोदी में, उसी मुद्दे पर भागे थे कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त, यही पटना में भाषण दिए थे जेपी नड्डा की, समाप्त करेंगे ये लोग देश के लिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि। लेकिन एक बात बताइए ना, गठबंधन, नहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ, गठबंधन से अलग होने के पहले आरजेडी पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा था, लेकिन कांग्रेस पर गठबंधन में रहकर जेडीयू ने सबसे पहले कांग्रेस पर अटैक शुरू किया। राहुल गांधी यात्रा पर सवाल उठाया गया, कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया गया, कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया कि क्षेत्रीय दलों से बात नहीं कर रही है, सीट शेयरिंग नहीं कर रही है, कांग्रेस लेट लतीफी करने वाली पार्टी है, इस तरह की बात। देखिए कात्यायन जी, अब सारी चीजों को जान रहे हैं, आप ही के चैनल पर 24 दिसंबर को मैंने कहा था, आपने कहा था कि ये भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे, चर्चा हुई थी, गिरिराज बाबू का बयान सुनाया था कि सारे दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी ने भी कहा है कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, नीतीश बाबू सुन लीजिए, मैंने कहा था कि सभी दरवाजे के पीछे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बिहार के सारे नेता माला लेके खड़े हैं, आपने ऑब्जेक्शन किया था कि आप कैसे कह सकते हैं, आपकी बात को कौन मानेगा, तो बात सही साबित निकली कि ये लोग माला लेके खड़े थे, उसकी तैयारी नीतीश कुमार महीनों से कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ वो बहाना ढूंढ रहे थे, कांग्रेस पार्टी को तो स्पष्ट कर दिया था कि आपके इस बयान पर मुझे तो कभी आपत्ति नहीं, नहीं वहां आपने कहा था कि भाई मैं मुझे लगता है कि मैं अपने दर्जनों डिबेट में आरजेडी को आगाह करता रहा कि नीतीश कुमार की एक्टिविटीज बता रही है कि वो जा सकते हैं। 24 दिसंबर का बता रहा हूँ जी, बिहार पर ही मैंने आप ही के साथ डिबेट किया था, मैंने कहा था कि माला लेके लोग खड़े हैं, नीतीश कुमार इस रास्ते से गुजरे तो दौड़ के पहना दे, वही हाल हुआ और नीतीश जी बहाना जाने का मन बना चुके थे। देखिए वो एक दर्जन बार पूरा करना चाहते हैं रिकॉर्ड कि बिहार का एक दर्जन बार चले, ठीक है, लेकिन फिर संभावना बनी रहेगी, फिर भी ये सच्चाई है कि फिर सच्चाई तो यही है ना कि आप लोगों से नाराज होकर वो अलग हो गए। नाराजगी का कारण था कि उनको प्रधानमंत्री का हम कैसे उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो माना ना, कल तक तो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं उनको बनना ही नहीं है, बनना ही नहीं है, ये कहां कहे थे, इंडिया गठबंधन तय करेगा चुनाव के बाद, नहीं आप लोग कहते थे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको नहीं बनना है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, खूब बनना था, नहीं कैसे, उसी के लिए तो हड़बड़ी थी। ठीक है, डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। डॉक्टर संजय, ये जो कुछ हुआ है अब तो सारी तस्वीरें सामने हो गई और हम लोग कल बात कर रहे थे कि हाँ कल तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से अब पॉजिटिव रिस्पांस आने लगा बीजेपी के लिए, बीजेपी बहुत पॉजिटिव बोलने लगी नीतीश कुमार के लिए, ये सारी चीजें एक दिन में तो हुई नहीं होंगी, कौन सा वो क्षण था जब आपने आकलन किया कि नीतीश कुमार जा सकते हैं एनडीए में? डॉक्टर संजय जी, एक बार सवाल आप दोहराएंगे? जी डॉक्टर संजय, मेरा सवाल ये था कि वो कौन सा क्षण या कौन सा मौका था जब आपको पहली बार लगा कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जब कई कार्यक्रमों में दूरियां बनने लगी थी, 13-13 कार्यक्रमों में, चाहे वो केसरिया की यात्रा हो, पुनौरा धाम का हो, नवादा में गंगा जल का हो, या पटना में बिजनेस कंक्लेव का मामला हो, जब देखे कि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों में दूरियां बढ़ने लगी, इश्तेहार और पोस्टर पर केवल और केवल नीतीश कुमार की तस्वीरें आने लगी, हमने देखा कि क्रेडिट लेने की होड़ लगने लगी कि अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 का ये हिस्सा है नौकरियों की प्रतिबद्धता, तो अगले दिन आरजेडी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नहीं, ये तो तेजस्वी जी के नौकरियों की बाहर है जो आपको दिख रही है। उसके बाद फिर जो दिखा मकर संक्रांति के दिन, जो एक चेहरे पर जो भाव था, उस भाव से लगा कि सब कुछ सहज नहीं है। और फिर तो जब भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि लालू की कृपा से ये मुख्यमंत्री हैं, और वहीं पर अशोक चौधरी आते हैं और कहते हैं कि इनकी योग्यता और क्षमता की वजह से ये मुख्यमंत्री,
तो तस्वीरें साफ हो गई थी। वो कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती के दिन का बयान और रोहिणी आचार्य जी का जो ट्वीट था वो तात्कालिक मामला उसको कह सकते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और इसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी, जब ये वाम मोर्चे के मंच से कांग्रेस को कोस आए थे, जब मध्य प्रदेश में इनको कांग्रेस ने कोई भाव नहीं दिया था उसको लेकर के इनकी नाराजगी थी, और जब राहुल गांधी जी ने कहा सोनिया गांधी जी के ये कहने पर समिति से संयोजक इनको बना दिया जाए तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी से राय ले ली जाए, और उस दिन बड़ा खीजे हुए तरीके से इन्होंने कहा कि संयोजक का दायित्व लालू प्रसाद जी को ही दे दिया जाए। तो इस तरह की जो तस्वीरें आ रही थी, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो जो एक्शन दिख रहा था उसमें लग नहीं रहा था कि यह गठबंधन अब बहुत दिनों तक चलने वाला है। मकर संक्रांति के बाद की तारीख लेकिन डॉक्टर संजय, एक सवाल जो है उसका छोटा जवाब चाहूंगा संक्षेप में, कि क्या नीतीश कुमार ये सच है कि अपनी सूझबूझ या रणनीति कहिए या राजनीति कहिए कि वो उस चाल को चलकर वो अपनी सरकार भी बचाते हैं, सीएम बने रहते हैं और अगली सरकार यानी अगले गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या इस प्रश्न को नजरअंदाज किया जा सकता है कि बीजेपी हो या आरजेडी, सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं, लेकिन मन में एक संशय हर पार्टी को बना रहता है शायद कि नीतीश कुमार न जाने कब तक साथ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर नीतीश कुमार जी को अब नहीं देखा जाता है। ठीक है, संख्या का गणित उनके पास होता है जो मैजिक फिगर के लिए जिम्मेवार होता है, तो सारी पार्टियां उसको समझौता कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, इसको मैं मजबूरी मानता हूं, जरूरी मैं नहीं मानता हूं। तो मजबूरी का जो गणित है उसका लाभ हमेशा नीतीश कुमार ले लेते हैं, और चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों को उनके सामने आत्मसमर्पण। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाकई अभी भी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीजेपी को लगता है कि 24 तक रहेंगे, 25 में नहीं रहेंगे, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से हमारे साथ है। 1996 में समता पार्टी के रूप में हमारे साथ आए थे, केंद्र सरकार में चाहे अटल जी की सरकार हो वहां मंत्री रहने का काम, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के रूप में रहना, 13 में ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि वो अलग हुए थे, फिर 17 में आ गए, 2022 में गए थोड़े दिनों के लिए, फिर मेरे साथ हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये 9वीं बार उनका शपथ ग्रहण हो रहा है, यानी कि 9 ग्रह को साध रहे हैं, उसके बाद अब कोई ग्रह बचेगा नहीं। अब जब आए हैं तो सारे ग्रहों को साध कर करके अब लंबे समय तक, अब जब तक आपको आपको भरोसा भारतीय जनता आपको भरोसा सिर्फ इसलिए है कि आपके साथ ज्यादा समय रहे हैं, वहां जब भी गए हैं वो बहुत कम समय में लौट आए हैं, निश्चित तौर पे ये वहां एहसास हो जाता है उनके जाने के बाद। लेकिन 2013 से 2024 के बीच जो है वो बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया है, आना जाना, वो राजभवन का जो गेट है ना वो ऐसा लगता है कि मानो खोल के रखो, पता नहीं कब चले जाए। अब उनको एहसास हो गया है, और मुझे तो लगता है कि 22 जनवरी के बाद जो भगवान राम अयोध्या में आ गए हैं तो सबको भगवान राम सद्बुद्धि देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी को भी अब सद्बुद्धि आ गई है कि अब तक जिस जो भी काम मैंने किया वो बिहार के हित के लिए नहीं था, बिहार के लिए जो है से वो कोई सही नहीं था, इसलिए अब बुद्धि के साथ, सद्बुद्धि के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, सवाल उठता है राम के शरण के साथ जुड़ कर लालू प्रसाद यादव जैसा शख्स जिसकी सियासी सोच पर लोग कहते हैं कि बिहार में मतलब बिल्कुल लालू प्रसाद यादव का अंदाज, लालू प्रसाद यादव का तौर तरीका ऐसा कि कोई मात न दे सके, ऐसा क्या हो गया कि चूक हो गई आरजेडी से इतनी बड़ी? हम लोग बार बार डिबेट में ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक्टिविटीज को देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हर बार नकारा और कहा कि ये मीडिया सवाल पैदा कर रहा है। आखिरकार वो हुआ, जमीन खिसक गई अचानक से और आप लोगों को पता भी नहीं चला। जब कुछ दिन से टीवी और सोशल मीडिया में जरूर चल रहा कुछ था, दिन से नहीं, ये काफी दिनों से, ठीक है, काफी दिनों से जरूर चल रहा था। मुझे याद है, मैं आपको कुछ बयान गिना सकता हूँ, फतेह बहादुर ने जब बयान दिया तब वही फतेह बहादुर को आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सामने आए और कहें कि ये बहादुर किसने नाम रख दिया, ये तो कायर आदमी है, सनातन पर हमला बोल रहा है। जब बात राम मंदिर की आई तब जेडीयू का स्टैंड एकदम अलग था, जब बात प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर बयान की बात आई तब जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल अलग था।
देखिए कुछ दिनों कुछ महीनों से कयास जरूर हो रहे थे, सोशल मीडिया वगैरह पे जरूर इस तरह की खबर चल रही थी, लेकिन मैं 26 जनवरी की एक बयान बताती हूँ। विजय चौधरी बोले कि सब कुछ ठीक है। एक बार प्रशांत झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजभवन से, सीधा रुख करते हैं राजभवन का।